आप सबका स्वागत है। आज हम 16 जुलाई के शुरुआत में आ पहुंचे हैं। व्यर्थ की बीमारी आज हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। हम चाहते हैं कि हम किसी के बारे में अच्छा सोचें, अपने परिवार वालों के बारे में अच्छा सोचें, लेकिन पीछे से 10, 15, 20, 40 थॉट्स हमारे डाउट के चल पड़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ऐसा ना करते, क्या उसने ठीक किया है, क्या वो तैयार है, क्या वो कर पाएगा, क्या वो नहीं कर पाएगा, हमारी किस्मत में है कि नहीं है। और हम चाहते हैं कि कोई अच्छा करे, एक कदम आगे लेते हैं लेकिन 20 कदम हम पीछे ले लेते हैं, और हमारे वो व्यर्थ संकल्प कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज करके हमें ही नहीं, हमारे परिवार, हमारे साथी संबंधियों को भी असर करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आज कि दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी, ये हो गया व्यर्थ के थॉट्स को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भवा। व्यर्थ की बीमारी को सदा खत्म के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भवा। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, पहले तो फेल हुए थे, पहले तो नुकसान हुआ था, फिर से करेंगे आगे तो फिर से कहीं नुकसान ना हो जाए, ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे किसी और के अंदर भी। व्यर्थ देखना मतलब कि बाजू वालों के घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, अच्छा हुआ उनके साथ में ऐसे होना चाहिए, वो तो है ही ऐसे लोग उनके साथ, ये सब कुछ सोचना भी व्यर्थ में काउंट होता है। जहां पे परमात्मा याद नहीं आता है, उनकी लोगों की तस्वीरें याद आनी शुरू होती हैं, तो हमारा योग उनसे लगना शुरू होता है, जबकि लगाना है हमें परमात्मा से। ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे इधर के उधर की बातें, निकालना बातें औरों से, औरों को भी व्यर्थ में ढकेलना, ये भी एक पाप बन जाता है। जब हम व्यर्थ की बातें करते हैं और उसे व्यर्थ की बातें निकलवाते हैं और उसे व्यर्थ की बातें करते हैं, आजू बाजू वालों की बातें करते हैं, पास्ट की बातें करते हैं कि पास्ट में उसने मेरे साथ ऐसे किया, अभी वो ऐसे ही कर रहा है, कर रही है, ये सब बातें सुनना, सुनाना, सोचना, बोलना, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। ये करना भी क्या हो गया, व्यर्थ करना हो गया। सुनना सुनाना भी तो एक कर्म हो गया, तो ये व्यर्थ कर्म भी नहीं करना है। सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करें, बिकॉज समय बहुत वेस्ट होता है, एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, सिर्फ अपने नहीं, जिसको हम सुना रहे होते हैं, जिससे हम वो बातें निकलवा रहे होते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, बताओ और खबरें बताओ, ये सब कुछ भी व्यर्थ में हमें ड्रेन करती है, स्वयं को भी ड्रेन, औरों को भी ड्रेन। इससे हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंसान के साथ में कोई रहना नहीं चाहता है। कि आप चाहते हो अच्छा हो, लेकिन आप 10, 15, 20 रीजंस दे देते हो कि क्यों अच्छा नहीं होगा, तो उस इंसान के पास में कोई रहना नहीं चाहेगा। तो क्या हमें अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए, ये हमें सोचना है। तो परमात्मा में देते हैं, कहते हैं ना व्यर्थ सोचेंगे, ना व्यर्थ देखेंगे औरों के अंदर, ना व्यर्थ सुनेंगे औरों के बारे में, ना ही वो बातों को निकलवाएंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, ना व्यर्थ करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है, जो योगी बनने नहीं देती। कई लोग कहते हैं मेरा योग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, बिकॉज पूरे दिन अड़ोस पड़ोस की बातें, बाजू वालों की बातें, पास्ट में उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने ये बोला मेरे को, वो मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में ये करता है, वो ये करती है, और के अंदर से नुक्स निकालना, और के अंदर प्रॉब्लम्स निकालना, इनकी वजह से मेरी किस्मत खराब हो गई, ये ना होते, ये सब कुछ बातें जो अगर हम करते हैं व्यर्थ की बातें, ये हमें योगी बनने नहीं देती है। पहले इन चीजों को एड्रेस करो, जब भी ये बातें हमारे मन में उत्पन्न हो, अपने आप से बातें करो कि चुप हो जाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परमात्मा को याद करो, शक्ति लो, ये ड्रेन आउट्स हैं, ये एनर्जी ड्रेन आउट कर देंगे मेरी, चुप हो जाओ। अगर आप अपने आप से बातें, से मैं परमप्रीत अपने आप को कहता हूँ, शरीर के हिसाब से मैं कहूँगा परम चुप हो जाओ, ये बेकार की बातें, उसने क्या बोला, इसने क्या किया, उसने क्या करा, ये कहीं ऐसा ना कर दे, वो ऐसा ना कर दे, आगे ये अड़चन ना लाते, ये व्यर्थ की बातें हैं। आप ये आइडियाज बाहर ब्रह्मांड में मत भेजो डाउट्स के, क्योंकि वो आपको ही काट निकले आएंगे। तो परम चुप, बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो, उल्टा अच्छा मुरली पढ़ो या कुछ अच्छा सोचो, इनके विपरीत सोचो, सब अच्छा होगा, सब सहयोगी हैं, सब कल्याण के लिए हैं, सब अंडरस्टैंडिंग है, सब समझदार हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत पीसफुल हैं, सब कंटेंट हैं, सब बहुत ही ज़्यादा मुझे मदद करते हैं, हर कोई मेरी बात को समझ सकते हैं, ये सोचना कैसा रहेगा। एग्जैक्टली, इनको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, प्योर थिंकिंग। तो परमात्मा कहते हैं क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, नहीं तो आप बहुत विस्तार में चले जाओगे, उसने ऐसे तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसे तो नहीं कर देगा, कहीं ऐसे तो नहीं बोल देगा, कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसे तो नहीं फेल हो जाएगा, कहीं ऐसे तो नहीं नुकसान कर देगा, ये हो गया विस्तार। व्यर्थ है विस्तार, विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार रूप में स्थित करो,
क्योंकि हमारी बुद्धि भटकती रहती है, इसलिए हमारा वो योग नहीं लगता परमात्मा से, जुड़ता नहीं है। तो ये भटकने वाली बुद्धि को बार में क्या करो, उसको काटो काटो करो, संकल्प काटो, नहीं सोचो पर हमें से ये बेकार की बात है, नहीं सोचो ये भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है, व्यर्थ करते 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 अपनी एनर्जी को समेटो और एनर्जी स्वरूप बन जाओ बिल्कुल। नहीं तो आत्मा की ऊर्जाएं चारों तरफ फैली हुई होती हैं और इससे हम थक जाते हैं दिन भर में। सफलता मूर्त बनेंगे, स्थित करो तो सहज योगी और सफलता मूर्त बनेंगे। क्या करने से, समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो। सार क्या है जीवन का, कि सत्य की जीत होनी है, हम सत्यता से चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। करो तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। इजी योग, परमात्मा से कनेक्शन इजी हो जाएगा। अगर चारों तरफ बुद्धि भटक रही होगी तो बहुत सारी तस्वीरें बन रही होंगी बुद्धि के अंदर, विजुलाइजेशन अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन करना विजुलाइज परमात्मा को चल रहा है विजुलाइजेशन आजू बाजू का, तो फिर हमारा बुद्धि भटकनी शुरू रहती है। तो अपने आप से बातें करो, नई नई पिक्चर्स बनानी शुरू करो, परमात्मा से जुड़ना शुरू करो, समझाओ अपने आप को, सेल्फ काउंसलिंग करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तब हम सफलता मूर्त बनेंगे। ओम शांति इसके साथ।